है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है हमारे साथ जुड़ने में और स्पेशली स्कूल आने में। तो हमारी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हो सके तो फिजिकल स्कूल में आए, और क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है, बच्चे अलग ही तरीके से वहाँ पर सीखेंगे, ऑनलाइन से बहुत अलग है। एंड वी ऑल वांट यू ऑल टू कम टू स्कूल एंड स्टडी देयर विद अस फिजिकली। सो ये मैसेज हमको आप तक पहुँचाना था। आपको कैसा लग रहा है हमारी केजी टीम के पेरेंट से उनका अनुभव सुनकर? आप चैट पर लिख सकते हैं या अनम्यूट कर भी बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, रक्षित इज सेइंग गुड, नाइस, ओके, ऑल राइट, थैंक यू, अच्छा लगा। आई होप ये पेरेंट्स बोल रहे हैं और बच्चे साथ में हैं उनके। हर्ष ऑल्सो सेइंग गुड, नाइस, एक्सलेंट, यस, एंड वी ऑल्सो फील एक्सलेंट व्हेन यू ऑल कम टू स्कूल, सो यस, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल स्टार्ट विथ आर मीटिंग एंड आई विल सेट द ऑब्जेक्टिव फॉर आर मीटिंग। हमने ये मीटिंग क्यों रखी? आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम पहले हमने बच्चों को गूगल क्लासरूम डाउनलोड करने के लिए बोला था और उसका हमने क्लासरूम कोड दिया था, क्लासरूम लिंक दी थी, और बच्चों को धीरे धीरे करके उसके ऊपर हमने ऐड किया था। तो गूगल क्लासरूम पर हमने जब बच्चों को ऐड किया, अब हम उनको सिखाना चाहते हैं कि उसे यूज कैसे किया जाता है। और आपको भी पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं एज अ स्कूल। हम ये चाहते हैं कि जो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं होमवर्क सेंड करने के लिए, वो बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है, उसमें बहुत मैसेजेस आने लगते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो असाइनमेंट होमवर्क सेक्शन है वो व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर गूगल क्लासरूम पर चला जाए, ठीक है? सो उसकी ट्रेनिंग हम धीरे धीरे करेंगे और हमें आपकी भी सहायता चाहिए उसमें, कि बच्चा भी उसमें सेटल हो जाए, उसको कैसे यूज करना है उसको आ जाए, और आपको भी पता हो कि अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो आप भी उस वक्त उसकी हेल्प कर सके। इसीलिए दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर मीटिंग टुडे, कि हमको गूगल क्लासरूम कैसे यूज करना है, क्यों हम यूज करना चाहते हैं, उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं, और हम धीरे धीरे करके उस पर शिफ्ट होंगे व्हाट्सएप से, ठीक है? उसके अलावा हमको दो तीन रिमाइंडर्स देने हैं, लाइक किड्स ए टू जेड ऐप का, उसके अलावा बोलो ऐप का, और हमको और डिस्कशन करना है एग्जाम सिलेबस का, कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं एंड ऑफ द ईयर फाइनल एग्जाम्स, तो उसकी भी तैयारी बच्चों की स्टार्ट हो जानी चाहिए, रिविजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, और सिलेबस भी हम आपको सेंड करेंगे। सो ऑल ऑफ दिस, ये मीटिंग्स थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए है। मेन ऑब्जेक्टिव इज गूगल क्लासरूम, उसके अलावा भी दो तीन चीजें हम आपको बताएंगे, और आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द मीटिंग। शो मी अ थम्स अप, यस पेरेंट्स आई ऑल रेडी, यस आई कैन सी श्रेयाज फादर, यस ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो दिस ट्रेनिंग विल बी लेड बाय सारा दीदी एंड आई वेलकम सारा दीदी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाजेला देवी. आई विल बी यूजिंग माय अदर डिवाइस. आई होप आई एम ऑडिबल. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल पेरेंट्स. दिस इज द मीटिंग स्टैंडर्ड थर्ड एंड फोर्थ. द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड बाय बाजेला दीदी. बाजेला दीदी ने बहुत ही ब्यूटिफुली हमें एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों यहाँ कलेक्ट हुए हैं, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं. जैसे कि बाजेला दीदी ने बताया कि हम गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि जब बच्चे कुछ होमवर्क आए तो उन्हें पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा होमवर्क आया है. एट द सेम टाइम उनको इस बात का भी आइडिया रहे कि कौन सी टीचर ने कहाँ होमवर्क दिया और हमारा कौन सा वर्क बाकी है. टीचर्स के पास से अगर देखा जाए तो टीचर्स को भी पता हो
के yeah, one second. टीचर्स को भी पता हो कि कौन से बच्चे ने क्या सबमिट किया है, क्या नहीं सबमिट किया, उन्हें किन्हीं रिमाइंडर्स देना. कई दफा होता है कि व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, बच्चे भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, तो बहुत कुछ छूट जाता है. ये छूटे ना और हम सब कुछ वक्त पर सबमिट कर सके, अटेंड कर सके और अप टू डेट रह सके क्लास एक्टिविटी से. इसलिए हम ये स्मॉल चेंज कर रहे हैं फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम व्हाट्सएप टू गूगल क्लासरूम. आप लोगों के पर्सनल नंबर्स पे भी दीदी ने क्लास कोड भेजा है, ग्रुप्स पे भी क्लास कोड भेजा है, वीडियो भी भेजी है हाउ टू यू नो लॉग इन आप कैसे करो. उसी चीज को आज थोड़ा सा हम ज्यादा डेप्थ में समझेंगे ताकि आप सभी के लिए गूगल क्लासरूम में शिफ्ट होना आसान हो जाए. ठीक है. यस नाउ आई विल शेयर माई स्क्रीन. इफ यू कैन सी इट प्लीज लेट मी नो. Yes, Bazila Didi, can you see my screen, Sara's home device? Yes, Sara Didi, yes. Okay. Now, second. आप सभी बच्चे अपने अपने डिवाइस में गूगल क्लासरूम ढूंढेंगे और उसे ओपन करेंगे. ओके बाजिला दीदी, स्क्रीन ऑप्शन आ रहे हैं. It's a blank screen, Sara. Okay, let me try once more. Like it's a white screen. Okay, I'm going to share it again. मैं दोबारा share करती हूँ. Yes, is it now visible? Yes. Yes. As you all can see, यहाँ पर एक white color का एक screen page है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि Google Classroom लिखा हुआ है, Grading A लिखा हुआ है. और इसी तरह आप सभी को सबसे पहला जो एक्शन हमें लेना है वो है हमें चेक करना है कि हमने कौन सा ईमेल आईडी यूज किया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिशान अहमद लिखा है, ये मेरे डिवाइस का ईमेल आईडी है. आप सभी बच्चों को पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि बच्चे जो हैं आई टैब उनके पास जो पैड मिला था स्कूल से टैब मिला था उस टैब का जो ईमेल आईडी स्कूल से मिला हुआ ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसी का इस्तेमाल करें. होम ईमेल आईडीज को ना यूज करें, कोशिश यही रहे क्योंकि टीचर्स के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कौन सा बच्चा क्लास में है. तो कभी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने अपने टैब में मिला हुआ ईमेल आईडी और पासवर्ड ही यूज करें. आप जैसे ही ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप गूगल क्लासरूम खोलेंगे तो आपका फर्स्ट पेज ब्लैंक होगा. आपके पास ये जो थर्ड ए लिखकर आया ये भी ना होगा. कुछ बच्चों ने लॉग इन किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है. अगर आपने अभी तक अपनी क्लास थर्ड स्टैंडर्ड ने थर्ड की क्लास, फोर्थ स्टैंडर्ड ने फोर्थ की क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो यहाँ पे प्लस का साइन है बॉटम में, आप इसको क्लिक करेंगे. नीचे बॉटम में ज्वाइन क्लास को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लास कोड आएगा. दीदीज एंड दीदीज आप सभी को अपने अपने क्लास कोड्स भेज चुकी हैं पर्सनल चैट पे. तो थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी को ये कोड्स पर्सनल नंबर्स पे भी दीदी से आए हैं. अगर आपने वो मैसेजेस मिस कर दिए हैं किसी कारण तो दीदी आप अभी इसे वापस भेजने वाले हैं. सो बाजिला दीदी, कुछ यू प्लीज सेंड फॉर ग्रेड फोर. यस सारा दीदी, आई विल सेंड. सरिता दीदी, कुछ यू प्लीज सेंड अ क्लास कोड मैसेज टू थर्ड स्टैंडर्ड अगेन. जैसे ही आपको दीदी से आया हुआ मैसेज मिल जाएगा, ध्यान रखें आप सिर्फ अपनी क्लास का कोड ही एंटर करेंगे. अगर आप थर्ड ए के हैं तो आपको थर्ड ए का कोड क्लास कोड एंटर करना है. अगर आप थर्ड बी के हैं तो आपको थर्ड बी का क्लास कोड एंटर करना है. अगर आप थर्ड सी के हैं तो आपको थर्ड सी का क्लास कोड ही एंटर करना है. अगर किसी कारण आप किसी और क्लास में एंटर हो जाते हैं तो आप अपनी रिस्पेक्टिव टीचर से कह के उसमें से अपने आप को रिमूव भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम जाएंगे थर्ड बी में. मैं थर्ड बी का क्लास कोड यहाँ पर एंटर करके आपको दिखा दूं कि आपको कैसे स्क्रीन पर चीजें दिखाई नजर आएगी. ये हमने थर्ड बी का क्लास कोड डाल दिया और उसके बाद हमने ऊपर का दिया हुआ ब्लू बटन ज्वाइन क्लिक करेंगे. ये आप थर्ड बी के क्लास में
आ गए हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड बी ऊपर लिखा है, विच मीन्स आप थर्ड बी के क्लास में हैं। अगर किसी कारण आपको समझ ना आए आप कौन सी क्लास में एंटर किए हैं, कर चुके हैं, प्लीज आप ऊपर के दिए हुए थर्ड ग्रेड का जो नाम है उसे पढ़ लें। अब यहाँ पर जो आप फर्स्ट ऊपर से नीचे चीज देख रहे हैं ये है आपकी स्ट्रीम, जिस तरह इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, जहाँ पे जो भी लेटेस्ट चीज होती है वो ऊपर आती है, उसी तरह स्ट्रीम जो है हमारा वॉल की तरह। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट होमवर्क, लेटेस्ट असाइनमेंट, लेटेस्ट कोई इंफॉर्मेशन लिंक जो दीदी शेयर करेगी वो सबसे ऊपर आएगा, जो पुराना हो चुका है वो नीचे जाए। ठीक है, सही है। नाउ वन सेकेंड, ओके, थर्ड ए देख सकते हैं कि दीदी ने यहाँ पर एक कमेंट, एक वॉल पर, सबसे पहले वॉल पर 19th जैन को एक क्वेश्चन पूछा था सबसे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आई एम फीलिंग डैश टुडे। आप देख सकते हैं काफी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, कमेंट किया है। अगर आप अपना कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड क्लास कमेंट में जाकर आप अपना रिस्पॉन्स टाइप कर सकते हैं। और सेंड कर सकते हैं, इस तरह आपका कमेंट दीदी को नजर आएगा। अगर कमेंट करने की बात है तो आपका ये स्टेप्स होने चाहिए। अब आते हैं हमारे होमवर्क्स पर। अगर दीदी ने कोई असाइनमेंट्स भेजा है, अगर आप नोट कर रहे हैं, ग्रेड 3A में सबसे पहले एक असाइंड होमवर्क है, एक टर्न इन लेट है, एक मिसिंग है, एक और एक मिसिंग है, एक हैंडेड इन है। लेट्स लुक एट अनदर, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। दीदी ने यहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट किया है, पोस्ट अ पिक्चर ऑफ एनीथिंग दैट इज येलो अराउंड यू। आपके आसपास किसी भी येलो चीज का पिक्चर क्लिक करके उसकी फोटो पोस्ट करिए। यहाँ पर एक पोस्ट ऑलरेडी हो गया है, अगर मुझे उसे नहीं पोस्ट करना है, मैंने रॉन्ग पोस्ट कर दिया है, मुझे निकालना है दीदी क्या करूं, तो यहाँ पर अनसबमिट का ऑप्शन है, आप अनसबमिट कर सकते हो। अब मुझे पोस्ट करना है दीदी कुछ होमवर्क जो आपने दिया है, मुझे उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करनी है, तो मैं कैसे पोस्ट क्लिक कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ? तो आप अपना डिवाइस का कैमरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, फोटो ऑप्शन यूज कर सकते हैं और पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। एक येलो आइटम हमने सिलेक्ट कर दिया, अगर ये पिक्चर ठीक ठाक लग रही है मुझे तो मैं टिक मार्क, जो ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे टिक मार्क है उस पर क्लिक करूंगी। अगर पिक्चर ब्लर हो गई है या किसी कारण हिल गई है या किसी कारण सही नहीं आई है या उल्टी हो गई है तो हम कैंसिल दबाकर उसे फिर से क्लिक कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ये हमने पिक्चर क्लिक कर दी, आप टिक करेंगे, एक पिक्चर अपलोड हो गई। मुझे एक और एक पिक्चर ऐड करनी है दीदी, क्या करूं? सो आप फिर से ऐड वर्क, फिर से कैमरा, फिर से टेक फोटो, फिर एक और एक येलो आइटम लेंगे, उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। अरे पर दीदी इसमें तो रेड बैकग्राउंड में आइटम आ गया, ये नहीं चाहिए था। यू कैन प्रेस रॉन्ग अगेन एंड टेक अ पिक्चर अगेन। ठीक है, ये आपने दो पिक्चर अटैच कर दी। अगर एक से ज्यादा पिक्चर अटैच करनी है तो आप पिक्चर एड वर्क में रिपीट कर करके ऐड और अटैच कर सकते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ आया है कि कैसे आप एक से ज्यादा पिक्चर्स अटैच कर सकते हैं आपके गूगल क्लासरूम के असाइनमेंट में। अगर किसी कारण किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो या मैं दोहराऊं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप वापस से डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं। यस आई कैन दीदी, मुझे ना क्लास कोड नहीं आया है। ओके, सरिता दीदी कैन सेंड इट टू यू, दिस इज सोनाक्षी। यस दीदी, ओके सोनाक्षी, सरिता दीदी विल सेंड इट टू यू और सुप्रिया दीदी विल सेंड इट टू यू। ठीक है, एनीबॉडी एल्स, अगर कुछ ना समझ आया हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। क्या सभी के समझ आ गया है? बाजिला दीदी प्लीज चेक इफ एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, हैव दे अंडरस्टूड। You can show a thumbs up if you understood. तो हम दिखा सकते हैं अगर आपको समझ आ गया है। दीदी, there is a question on the chat. They are asking what does hand in mean. Okay. अपना हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ, उनको समझ में आया ना? I'm just about to go that. ठीक है। जी जी। यहाँ पर जी। जी जी। जी जी।
जी हर्ष बोलिए। समझ में आया दीदी, हर्ष को समझ में आ गया है, इन्होंने कर लिया है। Awesome. Thank you so much, Harsh, for sending us that feedback, for giving us feedbacks, बेटा। अब यहाँ पर दीदी ने दो फोटोज पोस्ट किए हैं, पर ये दोनों फोटोज जो हैं, अभी तक दीदी के ही डिवाइस पे है। मतलब अगर आपने कोई फोटो क्लिक किया है, अगर आपने हैंड इन नहीं क्लिक किया है, तो वो सिर्फ आपकी गूगल क्लासरूम पे है, दीदी के क्लासरूम तक नहीं आया। आपने जब आप हैंड इन क्लिक करोगे वो सबमिट करने के लिए, या फिर अगर आपने दोबारा सबमिट करना है तो रीसबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है, तभी आपका वर्क आपके गूगल क्लासरूम से दीदी के क्लासरूम तक आए। हैंड इन का मतलब होता है आपने अपने गूगल क्लासरूम से दीदी के गूगल क्लासरूम पर अपना वर्क भेज दिया। ठीक है, आई थिंक दैट क्वेश्चन इज रिजॉल्व। किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, आई होप अभी आपके समझ आ गया कि हैंड इन क्यों यूज करते हैं। ओके दीदी, ओके, थैंक यू सो मच। ये हो गया हैंड इन हमारा एक्टिविटी फॉर पोस्टिंग फोटोज। एक से ज्यादा फोटोज भी आप पोस्ट कर सकते हैं और इनमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज ये है कि आप नोट करिए कुछ जगहों पर असाइंड लिखकर आ रहा है। यहाँ पर आई होप मेरा ठीक है, ASSIGNED असाइंड लिखकर आ रहा है, कुछ जगह पर टर्नड इन लेट लिखकर आ रहा है, कुछ जगह पर मिसिंग लिखकर आ रहा है। दीदी ऐसा क्यों, व्हाई? इनका मतलब सिंपल है, दीदी जब असाइनमेंट अपलोड करती है और अगर दीदी ने उसके लिए टाइम लिमिट रखा है और उसका अभी भी टाइम है, तो टाइम उसका ओवर नहीं हुआ है ना, टर्न उसकी है, टाइम लिमिट खत्म नहीं हुई है, तो आपको लिख कर दिखाएगा असाइंड। ठीक है, अगर आपने वो होमवर्क उसके वक्त के खत्म होने के बाद सबमिट किया है तो दीदी को दिखाएगा और आपको भी दिखाएगा कि आपने उसे लेट सबमिट किया है, टर्नड इन लेट। मगर आपने अगर उसे सबमिट किया ही नहीं है, छूट गए, भूल गया, तो वो मिसिंग दिखाएगा आपको भी और दीदी को भी। मगर अगर आपने उसको बिल्कुल समय पर सबमिट किया है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो ये आपको हैंडेड इन ग्रीन कलर में दिखाएगा। क्या इतना सबके समझ आया है? इफ यस, प्लीज शो थम्स अप। फाजिला दीदी विल चेक इफ एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ आया तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Yes. Should I go ahead, Basila Didi? Has everybody understood? Okay. Should I go ahead with PDF also? I can do that. Parents, please show us your thumbs up so we know that y'all are understanding. It's very important for us कि आपको, हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है सब कुछ। तो जैसे ही आपको समझ आ रहा है आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, हमको थम्स अप दिखा सकते हो, सो दैट हमको भी पता चले कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हो, वरना ऐसा लग रहा है कि आप शायद नहीं समझ पा रहे हो और हम जल्दी जा रहे हैं। सो अगर आप समझ रहे हो तो शो अस थम्स अप, यस ऑन द चैट, जो भी जिस भी तरह से आप हमें हाँ बोल सकते हो वैसे बता दो। थैंक यू एवरी वन। थैंक यू सो मच सम्यक एंड अपूर्वा, थैंक यू तेजल, गजेंद्र, ईश्वरी। I think Ishwari wants to understand again. Okay. Ishwari, has she joined late, Vazila Didi? All right. Ishwari, एक quick understanding ले लेते हैं कि हम Google Classroom कैसे use कर सकते हैं, इसके बारे में दीदी explain कर रहे हैं। दीदी ने Google Classroom open करके class code, अपने class code को use करके classroom में enter किया है। हम corridor में खड़े रहते हैं school में और हम classroom के अंदर door से जाते हैं, उसी तरह क्लास कोड जो है आपका दरवाजा, जब आप क्लास कोड में कोड डालोगे तो आप अंदर आने मिलेगा। ठीक है, जब आप क्लास कोड यूज करोगे तो आपकी ग्रेड का क्लासरूम ओपन होगा, स्ट्रीम में आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या होमवर्क आए हैं, कब कब आए हैं, उनकी क्या डेट है, क्या टाइम लिमिट है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। जो सबसे फ्रेश होगा, जो सबसे रिसेंट होगा, वो सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे पुराना होगा वो सबसे नीचे जाएगा। जिस तरह यहाँ पर सबसे नीचे जो है 19th जैन का एक कॉमेंट था, राइट, आप कमेंट में नीचे जाकर एट कमेंट क्लिक करके अपना कमेंट टाइप करके सेंड कर सकते हो कमेंट करने के लिए। ठीक है, दिस इज अगर आप कहीं पर कोई चीज आपको समझ ना आए या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। विच ऑल्सो रिमाइंड मी, अगर आपने एक असाइनमेंट सबमिट किया है, ठीक है, आपने हैंड इन कर दिया, हैंड इन करने के बाद भी, ओके वन सेकेंड, दैट इज ईश्वरी। ईश्वरी अगर नया असाइनमेंट आता है तो आप असाइनमेंट पे क्लिक करोगे, इस अप वाले बटन को क्लिक करके ऊपर आओगे,
यहाँ पर आप अपना असाइनमेंट ऐड वर्क करके ऐड करोगे और हैंडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपलोड किया है और आप अगर हैंडिंग नहीं करते हो तो आपका वर्क सिर्फ आपकी गूगल क्लासरूम पे रहेगा, जब हैंडिंग होगा तो आपके क्लासरूम से दीदी के क्लासरूम तक आएगा। ओके, तो हैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिर्फ सबमिट करने से काम नहीं बनेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने हैंडिंग किया हुआ है। हैंडिंग के बाद यहाँ पर अगर सपोज कोई एक असाइनमेंट है आपको नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, उसी असाइनमेंट के अंदर आप कॉमेंट कीजिए। यहाँ पर एड कॉमेंट है, यहाँ पर जब आप कॉमेंट डालेंगे तो वो कॉमेंट आपका दीदी को ही नजर आएगा और किसी को नजर नहीं आएगा। सपोज अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो दी ठीक है दीदी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आप अपने वर्क में अपने असाइनमेंट के अंदर भी कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन। आपको हमेशा 19 जन 6 वाले कॉमेंट सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आपको नहीं समझा है उसी क्वेश्चन के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, जब आप कोई भी एक्टिविटी वक्त पर सबमिट करोगे तो वह हैंड इन करके लिख कर नजर आएगा। अगर आप उसे मिस कर दो, आप सबमिट ना करो, भूल जाओ, तो वो मिसिंग रेड में दिख कर आएगा। अगर आपने किया है मगर लेट हो गया, टाइम लिमिट के बाद किया है, तो टर्न इन लेट नजर आएगा। और अगर आपने वक्त पे ही सबमिट कर दिया है या अभी तक उसका टाइम है, खत्म नहीं हुआ है, तो असाइंड नजर आएगा। ठीक है, बाजीरा दीदी, यू वांट मी टू गो अहेड विद द पीडीएफ पार्ट? ऑलराइट, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि हम कैसे हमने देखा फोटोज अटैच किए हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमें पीडीएफ अगर अटैच करना हो तो हम पीडीएफ कैसे अटैच कर सकते हैं। सारा दीदी, excuse me, sorry, can we do a little trial round with our parents? Yes. And we can just post an assignment right now in our grade 3 and grade 4 classrooms and okay. just check if they're able to upload images to us and send it to us. Okay, so I think all the teachers will have to create an assignment right now. Just you can create an assignment, Didi, and post it on all three groups. All right, just give me a minute. And I will do that. Or one of our teachers. So I'm not able to do it my end because my laptop is recording it. Poonam Didi, can you send an assignment on the group? Just put a question ki red color ki objects send kijiye. Yes, Bajela, karti. Poonam Didi, you can send it for all grades, 3 as well as 4. Okay. Can I explain the classwork and people by the time we are getting this done? It's a small thing. Okay, sure. Okay. Go ahead. जब तक दीदी पूनम दीदी आपके लिए एक work assign करते हैं, तब तक हम एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। क्लास वर्क पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट के कौन से क्लास वर्क आए हैं। ठीक है, अब यहाँ इंग्लिश के दिखाए नजर आ रहे हैं। जब बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको वर्क्स आएंगे तो उसकी एक पूरी लिस्ट बनती जाएगी जो लंबी होगी, नीचे तक जाएगी, आप उसको स्क्रॉल कर सकती है। ये आपके क्लास वर्क में नजर आएगा कौन से सब्जेक्ट में क्या वर्क आया है, चल रहा है, क्या आपने सबमिट किया, क्या नहीं किया है। अगर ये ग्रे कलर में है, विच मीन्स इसका टाइम जा चुका है और आपने इसे सबमिट कर दिया है। ग्रे मीन्स आप कर चुके हो, ब्लू मीन्स करना बाकी है, मिसिंग या लेट जो भी, आपका ब्लू मतलब ये काम होने बाकी है और ग्रे मतलब आप उसे कर चुके। दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो जितने ब्लू नजर आएंगे उन्हें जाके आप कंप्लीट कर लीजिए। पीपल में जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा ऊपर आपके सारे टीचर्स के नाम नजर आएंगे। ठीक है, ये सारे आपके टीचर्स जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आपके स्टाफ, आपके दीदीज एंड भैयाज हैं इसमें, और क्लासमेट्स में आपको सारे वो बच्चे नजर आएंगे जो आपके क्लास में हैं। ठीक है,
सो दीज आर ऑल द फ्रेंड्स दैट यू हैव इन योर क्लास, इन सबकी यहाँ पर एक लंबी लिस्ट रहेगी. सो आपको पता चल जाएगा आप सही क्लास में हो या नहीं. आप क्लासमेट्स को भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी ही क्लास में हो या नहीं. ठीक है. Now we will wait for Poonam Didi to send us an assignment so that we all can do it with Didi. Yes, Karan Kumawat has raised his hand. Yes, Karan, please unmute and speak. Didi, जो आप दिखा रहे हो ना वो मेरे अंदर नहीं खुल रहा है. मैंने बहुत try किया था कल. Okay. आपका internet work कर रहा है बेटा करण? आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है? आपने डेटा पैक रखा है अपने डिवाइस में? ओके ओके, डिवाइस में डेटा पैक होना जरूरी है. वन सेकंड. वाजिला दीदी, कुड यू अटेंड टू हिज क्वेरी? आई हैव अनदर चाइल्ड कॉलिंग मी फॉर इट. यस यस यस. करण क्या बता रहा है आपको, कैसा नहीं दिख रहा है? ये दीदी वो जी R A D E ऐसे वाले नहीं दिखा रहे. मेरा वो मेरा नाम वाला दिखा रहा है पूरा आईडी. अच्छा, सो आप शायद कोई गलत क्लासरूम आपने क्रिएट कर दिया है करण. आपको ना क्लासरूम ज्वाइन करना है, क्रिएट नहीं करना है. तो जब प्लस साइन दिखा रहा है ना आपको, प्लस साइन स्टार्टिंग में नीचे, यस, उसको क्लिक करके आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ज्वाइन क्लास. जब आप ज्वाइन क्लास क्लिक करोगे ना तब आपको क्लास कोड डालकर, क्लास कोड आपका 5-6 लेटर्स का है, वो एंटर करके आप अपनी क्लासरूम में ग्रेड 4 में एंटर हो जाओगे. ठीक है. ओके ओके, थैंक यू दीदी. यस वेलकम. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन करण, आप मुझे मीटिंग के बाद भी मैसेज कर सकते हो. ठीक है. पूनम दीदी, हैव यू असाइंड इट टू थर्ड ए एज वेल? अपने असाइनमेंट थर्ड ए को भी असाइनमेंट किया है. यस बाजेला, सॉरी सारा दीदी, थर्ड सी और बी हो चुका है, ए में मैं अभी कर रही हूँ. I have posted an assignment for grade 4 children. It is an EVS assignment. You have to send something in green or blue, something in blue color. तो आपको वो फोटो क्लिक करना है जो भी आपके आसपास ब्लू कलर का है, और वो फोटोज अपलोड करने हैं. दो पिक्चर्स मांगे हैं मैंने, तो आपको दो फोटोज अपलोड करने हैं. ग्रेड 4 के लिए मैं बोल रही हूँ, नॉट ग्रेड 3. Yes. जैसे कि आपने देखा जब दीदी ने एक नया असाइनमेंट ऐड किया तो दीदी का नाम आ रहा है, दीदी ने किस समय पे किया है उस वक्त का वो टाइम भी लिखकर आ रहा है, और दीदी ने क्या टाइटल रखा है, और उसके नीचे एक लिखा है वन अटैचमेंट, यानी दीदी ने कुछ और एक चीज के साथ पिक्चर या वीडियो कुछ और भी ऐड करके रखी है. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका असाइनमेंट ओपन हो जाएगा. अब यहाँ पर दीदी ने एक पीपीटी सेंड किया है, लेसन 3 अटैचमेंट. बाजेला, am I audible? Yes, सारा दीदी. Okay. दीदी, अभी मेरा आवाज आ रहा है आपको? दीदी, आप म्यूट हो. मैं ये वाले स्क्रीन से म्यूट हूँ, मैं दूसरे डिवाइस से बोल रही हूँ, तो ये वाले स्क्रीन पे आपको आवाज नहीं आएगा, दूसरे स्क्रीन से मेरा आवाज आ रहा है आपको. आवाज आ रहा है मेरा अभी दीदी? Yes, दीदी, आपका आवाज आ रहा है. Okay, thank you so much. अगर किसी कारण अगर आपको आवाज नहीं आ रहा है और बाकियों को आवाज आ रही है तो आप अपना मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. कभी कभी मीटिंग में नेटवर्क की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करनी होती है.
अब यहाँ पर दीदी ने हिंदी का थर्ड स्टैंडर्ड का पीपीटी भेजा है, जब आप उसको क्लिक करोगे तो एक पूरी की पूरी पीपीटी आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो दीदी पढ़ाए हैं उसके बारे में आपको मिल रहा है सब डेटा, जो दीदी ने पढ़ाया है वो सब कुछ यहाँ पाओगे, ताकि कभी अगर आप रिवाइज करना चाहो तो आप इसी पीपीटी को देखकर आप अपना वर्क रिवाइज कर सकते हो। अगर इसमें दीदी ने कोई होमवर्क दिया है तो पूनम दीदी यस सारा दी हाउ विल चिल्ड्रन अटैच असाइनमेंट, आपने पीपीटी ओनली पिक सेंड किया बाद में, मैंने चेक करो एक बार आप दूसरे ठीक है। यहाँ पर दीदी ने लेसन नंबर 3 की पीपीटी दी है, जब आप उसको फाइल सेव्ड ऑफलाइन करोगे तो अगर आपके पास इंटरनेट ना हुआ और अगर आपने सेव्ड फाइल का ऑप्शन क्लिक करके पहले ही सेव कर लिया है तो बिना आप अपनी पीपीटी दीदी की जो भेजी हुई वो ओपन करके देख सकते हो ठीक है। अब अगर आपको दीदी का दिया हुआ असाइनमेंट आपने अपनी गूगल क्लासरूम पे नजर आ रहा है तो आप देख सकते हो दीदी ने एक रेड कलर के ऑब्जेक्ट का फोटो अपलोड किया है ठीक है। अब सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में जाकर पूनम दीदी देयर इज सम एरर, बच्चे एड वर्क कैसे करेंगे, आप सेव ऑप्शन दे रहे हो ओके इट्स ओके कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं असाइंड वर्क ले लेते हैं थर्ड स्टैंडर्ड्स। आप सभी के पास सारा दीदी का भेजा हुआ आज जो 12:30 बजे ड्यू है वो होमवर्क आप सभी को नजर आएगा, आप उसे ओपन कर लीजिए ठीक है। इसी के नीचे एड वर्क दिया हुआ है, इसे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट बुक में आपने पीटर रैबिट किया है दीदी के साथ, तो टेक्स्ट बुक में ओपन का फर्स्ट पेज अपलोड कर दीजिए ताकि हमें समझ आए कि आपके सबके समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। फर्स्ट टू पेजेस वी वांट टू नो इफ यू कैन अपलोड टू फोटोज टुगेदर, सो यू कैन गो ऑन योर एक्टिविटी हियर इट सेज ऑन जी यस किसी को कुछ कहना है करण आस्क योर डाउट दीदी मेरे को है ना मेरा कोड भेजो ना बाजेला दीदी करण जस्ट गिव अस सम टाइम बाजेला दीदी विल सेंड इट टू यू ओके ओके सो नाउ यू कैन गो टू योर असाइनमेंट जो असाइंड है या जो पुराना है आप उसे भी ले सकते हो ठीक है। आप इसमें एड वर्क कीजिए जाकर कैमरा ऑन कीजिए टेक फोटो पे क्लिक कीजिए और आपकी जो फर्स्ट पिक्चर नंबर 1 है उसे पहले सेट कीजिए अच्छे से एंड देन क्लिक इट। आप ध्यान रखिए आप बॉर्डर टू बॉर्डर प्रॉपरली क्लिक कर रहे हैं और आपका फोन आपका डिवाइस जो है बहुत हिल नहीं रहा हो तो आपकी पिक्चर बहुत ही क्लियर आएगी। ये क्लियर पिक्चर है मैं अटैच करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो आप टिक कीजिए यस, पर मुझे एक और एक पिक्चर अटैच करनी है मैं फिर से एड वर्क में जाऊंगी या जाऊंगा फिर से कैमरा सिलेक्ट करूंगा एड वर्क दीदी फोटो वाले में किसमें जाने का है आप कोई भी यूज कर सकते हो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रौनक अभी के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो बेटा। दीदी मैं पूछ रहा हूँ किसमें जाने का फोटो क्लिक करने का भेजने का तो होमवर्क एड वर्क में जाना है बेटा, देखो यहाँ पे दीदी दिखा रही है एड वर्क दिख रहा है ADDWORK उस पे क्लिक कीजिए दीदी। ना हमने एक फोटो सेंड की थी और एक फोटो सेंड करनी है बट यहाँ एड वर्क नहीं आ रहा है क्योंकि आप उसको ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो बेटा है ना। एक्सक्यूज मी दीदी जी वी कैन मेक अ पीडीएफ आल्सो एंड व्हाट मतलब पीडीएफ बना के डायरेक्ट भी एड वर्क कर सकते हैं ना मतलब हैंड इन कर सकते हैं ना। यस डेफिनेटली हम पहले दो इमेजेस डालना प्रैक्टिस करेंगे फिर हम पीडीएफ भी कर सकते हैं। ओके मैम थैंक यू ओके थैंक यू।
रौनक आर यू एबल टू डू इट बेटा? यस दीदी. आपको करने आ रहा है पिक्चर अटैच करने आ रहा है बेटा? दीदी मैं अपने टैब में करके देख रहा हूँ. ओके, मैं चाहती हूँ सभी बच्चे अपने अपने टैब में से प्रैक्टिस करें ताकि हम सबको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हमें आ रहा है या नहीं. और अगर नहीं आ रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं. दीदी जी. दीदी मेरा गूगल क्लासरूम का हो गया टैब में. ओके रौनक, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट बेटा. हम बाकियों के लिए भी ये असिस्टेंस कर लेते हैं. जी मैं न्यू नहीं बोल रही हूँ दीदी. हमें हर रोज फोटो मिलना है ना, तो दीदी भेजेंगे लिखकर. आप ज्यादा से ज्यादा गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कीजिए. आप फोटोज भी डाल सकते हैं और इसके बाद दीदी पीडीएफ कैसे बनाना है गूगल क्लासरूम में वो भी सिखाएंगी. तो आप एक एक पिक्चर डालने से अच्छा एक साथ तीन चार पिक्चर्स को एक ही फाइल में बनाकर भेज सकते हैं. तो इसके बाद दीदी आपको वो भी सिखाने वाली है. ओके सारा दीदी, कैन आई शेयर माय स्क्रीन एंड शो? सम ग्रेटफुल चिल्ड्रन हैव सबमिटेड. यस यस प्लीज गो अहेड, आई विल स्टॉप माय स्क्रीन शेयर देन. दीदी स्क्रीन में दीदी मेरा क्लास कोड नहीं है. ओके मैंने आपका येलो कलर का भेज दिया. सी चिल्ड्रन, सो ग्रेड फोर के बच्चों ने सबमिट किया है. मैंने क्वेश्चन भेजा था कि सी बाजिला हवा पोस्टेड एन अ न्यू असाइनमेंट, सेंड टू पिक्चर्स ऑफ समथिंग इन ब्लू. एक कोई ऐसी चीज सेंड करो जो ब्लू कलर में है. और यहाँ पर दिखा रहा है कि चार बच्चों ने टर्न इन किया है, मतलब चार स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है उनका काम और 21 बच्चे अभी भी बच्चे हैं जिनको सबमिट करना है. ठीक है, 4 हैव टर्न इन, 21 हैव स्टिल बीन असाइंड and they still have to submit. उन्हें अभी भी submit करना बाकी है. When I go and turned in, मुझे सब बच्चों का homework दिखाई देगा. ठीक है, just give me 1 minute. Okay. Look over here. I have submissions from Ayush, Gargi, Gauri and Shreyas. Okay. Similarly, I will have submissions in grade 4 का 4A का class also. So when you submit, जब आप सबमिट करोगे तब दीदीज को दिखाई देगा कि आपने सबमिट किया. ऐसी 2 अटैचमेंट्स, मतलब 2 फोटोज भेजे हैं. यहाँ गार्गी ने 3 फोटोज भेजे हैं. फाइजा ऑल्सो सेंट 2 फोटोज, श्रेयस ऑल्सो, गौरी ऑल्सो. सो नाउ 5 स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड इन. ऐसे जैसे जैसे बच्चे सेंड करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्न्ड इन स्टूडेंट्स बढ़ता जाएगा जब वो सबमिट करते जाएंगे. ठीक है दीदी, मैंने आपको ना येल्लो कलर का भेजा है. ओके ऑल राइट. जय यू हैव अ क्वेश्चन. दीदी पासवर्ड क्या है? बेटा मैंने दीदी यस जय पासवर्ड मांगा है भेजा है बट आपको आया ही नहीं. अभी तक नहीं आया. मैंने कभी का भेजा. Okay, it will show. Wait, did you turn in? विनीत का आया, विनीत का send किया है. आया क्या विनीत का assignment? Yes, दीदी, grade 4 A में आया है. आया है ना? दीदी, दीदी. Yes. अरमान का password क्या है? हाँ, दीदी मैंने ना class code और password announcement group पर भेजा है. ग्रेड 4A का भी और 4B का भी. आप वहां जाकर चेक कर सकते हो. सभी ग्रेड 4 के बच्चों को बोल रही हूँ कि आपका क्लास कोड और लिंक दोनों मैंने अनाउंसमेंट ग्रुप पर भेजा है. अरमान का अरमान बी डिवीजन में है. अरमान मैं सेंड करती हूँ बेटा आपको पर्सनल नंबर पे. मैंने हैंड इन किया. ओके सी विनीत, वेदांत, तनाया, गजेंद्र, दीज आर 4A स्टूडेंट्स जिन्होंने सबमिट किया है काम. तो ये ऐसे दिखाई देगा. जय डोंट वरी, आई नो यू विल सबमिट. आप अभी तक भी सबमिट करते आ रहे हो सो चिंता मत करो.
ठीक है। सिक्स स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड इन, सी जय योर वर्क इज योर, ओके। सो लाइक दिस आई विल कीप गेटिंग योर होमवर्क्स इफ यू कीप हैंडिंग इन देम टू मी, ओके। थैंक यू सारा दीदी। आई थिंक नाउ वी कैन कंटिन्यू एंड शो देम हाउ टू मेक अ पीडीएफ आल्सो। दीदी मैंने सेंड की हूं, आया के देखो। ओके, स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अगर आप किसी कारण अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं जानते हैं, भूल गए हैं या नहीं याद आ रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या अगर आपने किसी और का ईमेल आईडी यूज किया है और अभी आपको अपना स्कूल का ईमेल आईडी यूज करना है पर पता नहीं है, तो आप प्लीज दीदी को, सारा दीदी को और फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बाजिला दीदी को मैसेज करके पर्सनल पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग सकती हैं। हम सबके सामने ग्रुप में नहीं भेज सकते, इसीलिए आपको पर्सनल पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछना होगा। क्लास कोड सभी को भेजा गया है, अगर किसी कारण आपको नहीं मिला है तो आप दीदी को फिर से पूछ सकते हैं, दीदी फिर से पोस्ट करेंगे, ओके। यस, थर्ड बी, आई थिंक अकीला आस्क्ड के थर्ड बी का कितना सबमिशन है बताएं। सो आई विल क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल गो अहेड विद दैट आल्सो। हम फिर से गूगल क्लासरूम में जाएंगे। यस, सो अब हम चेक करते हैं। अकीला गिव मी वन मिनट, हम पहले पीडीएफ समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कितने बच्चों ने क्या सबमिट किया है, ओके अकीला। Yes, and children, if you have any questions, जो दीदी explain कर रहे हैं उस वक्त समझ ना आ रहा हो, so you can please post your questions in the chat box, so that Bazila दीदी and I can help you out with the questions that you have. अगर आपको कुछ किसी कारण नहीं समझ आ रहा है, आप चाहते हैं हम वापस समझाएं, या आपकी किसी चीज में help चाहिए आपको, आप please अपना question chat box में post कीजिए। Now, अगर आपको दीदी मुझे yellow items का बहुत सारा एक साथ पिक्चर सेंड करना है, मगर मैं सिंगल सिंगल फोटोज नहीं सेंड करना चाहता हूँ, तो क्या करूं? ऑलराइट, तो हम कुछ इस तरह हमारे पिक्चर्स को बनाएंगे, एक सेकंड, ठीक है। सो हम इस दफा अगर हमें पीपीटी पीडीएफ अगर बनाना है तो हम कैमरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप कैमरा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक फोटो एक बार ही अपलोड करने मिलेगी, इसीलिए आप स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। जब आप स्कैनर को यूज करेंगे, मैं फिर से दोहरा के दिखाती हूँ, एडवर्ब में जाएंगे, अगर कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो आप एक ही पिक्चर एक टाइम पर पोस्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, मगर अगर आप स्कैनर, जो कि बाजू में है उसके, स्कैनर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो स्कैनर का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं करेंगे तो आपको एक टाइम पे बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करने मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसकी एक फोटो क्लिक की है और मैंने टिक किया है कि हाँ मुझे यही पोस्ट करना है, फिर मैंने एक और एक पिक्चर, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको और पिक्चर अटैच करनी है, नीचे लिखा है 1/1, ये जो 1/1 लिखा है इसका मतलब होता है आपने एक ही पिक्चर अपलोड की है, अगर आपको और अटैच करनी है तो यहाँ पर देखिए प्लस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक और एक पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन देगा, फिर आप अपनी दूसरी पिक्चर को अच्छे से क्लियर रखकर क्लिक करेंगे, मुझे ये पिक्चर भी अटैच करनी है, मैं इसे प्लस रखूंगा, ओके। अब देखिए वो 1/1, 2/2 हो गया है, यानी हमने दो पिक्चर्स डाली है, मुझे पहली पिक्चर देखनी है तो मैं इस तरफ जाऊंगी और अगर दूसरी पिक्चर देनी है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी। दीदी थर्ड वाला को सेंड करना है सारा दीदी, यू कैन शो देम क्रॉप साइन का भी मतलब, लाइक राइट नाउ द फोटो इज सो मच, when yes. you crop it, तो पूरा फुल फोटो है। दीदी हमें भी करना है। हाँ गणेश, आप देख लो कैसे करना है, तो जब जब जैसे जैसे असाइनमेंट्स आएंगे आप अपलोड करो। मैम जी, यस सौरभ मैम, मेरे को कैसे करना है पता है। ओके, सो ये बाकी ओके हेल्प के लिए भी है बेटा, ओके। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पिक्चर और एडिट करके चाहिए, पूरी नहीं आई दीदी, खुद ही कट गई, हमने तो पूरा क्लिक करना था, तो मैंने ये क्रॉप ऑप्शन पे जाकर, देखिए फिर से मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर है जो बिल्कुल सही कट टू कट आई है, मुझे और कुछ एडिट नहीं करना है, पर ये तो अधूरी आई है दीदी, इसको तो चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
माइनस साइन के बाजू में यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करो तो ये आपको क्रॉप करने के ऑप्शंस को ओपन करके देगा। फिर आपको जो भी कॉर्नर कॉर्नर रखना है आप वो सिलेक्ट करो, डन पे क्लिक करो और आपकी पूरी फोटो आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट फोटो एंड दिस इज योर सेकेंड फोटो। अब अगर आपको और पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप फिर से इस ऐड ऑप्शन को क्लिक करोगे, ये जो बॉक्स के अंदर ऐड है। ठीक है, अगर आपको और नहीं ऐड करनी है तो आप ऊपर जाओगे। यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अपना नाम यहाँ लिखोगे और सब्जेक्ट लिखोगे जो भी आप होमवर्क सबमिट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिया का होमवर्क है तो रिया अपना नाम लिखेगी रिया पाटिल और सब्जेक्ट है इंग्लिश। सो लेट्स से सब्जेक्ट इंग्लिश का है तो रिया पाटिल और इंग्लिश लिखकर उसने सबमिट किया और ओके प्रेस किया है तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट का नाम बदल के रिया पाटिल इंग्लिश वर्क बन जाएगा। ठीक है, फिर हम इसे सेव करेंगे। जब आप इसे सेव करोगे तो वो खुद ब खुद यहाँ पर अपलोड होता चला जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो अब अगर आपने इसको हैंड इन नहीं किया, मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, अगर आप हैंड इन नहीं करोगे तो ये सिर्फ आपके गूगल क्लासरूम में रहेगा, दीदी के क्लासरूम पे नहीं आएगा। आपको यहाँ अपलोड करने के बाद हैंड इन क्लिक करना है। वो आपको ऑप्शन पूछेंगे कि इसमें दो अटैचमेंट्स हैं, आपको अपने होमवर्क को सबमिट करना है क्या, तो आप हैंड इन पर क्लिक करोगे। जब आप हैंड इन पे क्लिक करोगे तो वो दीदी के क्लासरूम पर आपका वर्क भेज देगा और यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। देख रहे हो आप ऊपर लिख कर आया हैंडेड इन, यानी दीदी को जा चुका है आपका वर्क। ठीक है, हमने अब तक देखा कि किस तरह आप, अब चेक करना है आपने वर्क सबमिट किया है या नहीं, तो उसी तरह आप वापस आके अपना वर्क चेक कर सकते हो। अगर आपको कमेंट डालना है कि दीदी आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, सो यू कैन राइट आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, तो दीदी को पता चल जाएगा कि किसने सबमिट किया है और वो क्या कहना चाहते हैं। जरूरी नहीं है हर बार कमेंट करना, पर आप चाहो तो आप कर सकते हो। ये वो जगह है जहां पर आप अपने असाइनमेंट के बारे में कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स, कोई परेशानी अगर फेस कर रहे हो तो पूछना चाह रहे हो किसी से, तो ये वो जगह है जहां आप उसे पूछ सकते हो। यस, आई थिंक पीडीएफ कवर्ड है। आई एम गोइंग टू स्टॉप माय स्क्रीन शेयर। फाजिला दीदी इज देयर? यस सारा दीदी, टेल मी, ओके, हैव वी कवर्ड एवरीथिंग सो फार? Yes, I think so. Now we can post one more assignment which asks them to upload a PDF. And they can try to upload a PDF by clicking multiple photos from the scanner option. आप scanner option use करके multiple photos click करके PDF बनाकर हमें send करोगे अब वाले assignment में जो हम post करने वाले Google Classroom पर। ठीक है, पूनम दीदी आप फिर से एक असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। यस सारा दीदी, पीडीएफ का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ना उसके लिए मोबाइल में? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कैमरा के ऑप्शन के बिल्कुल बाजू में स्कैनर ऑप्शन लिखा है, जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपको पीडीएफ के ही ऑप्शन देगा। कैमरा एक पिक्चर एट अ टाइम लेता है और स्कैनर बहुत सारे पिक्चर एक साथ लेता है और उसे पीडीएफ बना के दीदी को भेजता है। ओके, उसके लिए अलग से हम लोग को नहीं करना पड़ेगा ऐप डाउनलोड। ओके, ठीक है। आई थिंक तृप्ति हैज रेज्ड हर हैंड। तृप्ति आप कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? दीदी मेरा वही चालू नहीं हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, प्लीज रिपीट बेटा। तृप्ति प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। दीदी मैंने सेंड किया। दीदी मेरा गूगल क्लासरूम में चालू नहीं हो रहा है। ओके तृप्ति, आप अपनी स्क्रीन खोली करो। ये जो क्लास मीटिंग है ना, इसमें आपको सेंड किया गूगल क्लासरूम में से। चिल्ड्रन लेट्स फॉलो द क्लास नॉर्म्स। चिल्ड्रन प्लीज लेट्स फॉलो द क्लास नॉर्म। थैंक यू। आई विल टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम। थैंक यू तृप्ति। यू कैन स्क्रीन रिकॉर्ड जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप मुझे पर्सनल पे भी भेज सकते हो, मैं आपको वहां पर भी हेल्प कर सकती हूँ अगर किसी कारण आप नहीं लॉग इन कर पा रहे हो तो। ठीक है, यस तृप्ति।
Okay, we will now move on to next question. Laiba, you have also raised your hand. Yes, Didi. Actually, मैं लाइबा की मम्मी बोल रही हूँ. वो दीदी अगर हमको डायरेक्ट पिक्चर पे ही लिखना रहा तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट जैसा बच्चे कभी कभी मैच द कॉलम कर लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑनलाइन कर देते हैं, वैसा इसमें कैसे करेंगे, नहीं आ रहा है मतलब. ट्राई की मैंने पर नहीं हो रहा है. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पोस्ट किया है. लेट अस चेक हम क्या कर सकते हैं इस पर. ठीक है, हम थर्ड की क्लास में फिर से जाते हैं और एक और एक मिसिंग वर्क चलिए देखते हैं. यहाँ पर एड वर्क में हम गए, ये दिख रहा है आपको अपलोड. ठीक है, अच्छा वन सेकेंड, मेरा ख्याल है. हाँ जी, तो दीदी आप जो भी बच्चे डाउनलोड करके, जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप पे अगर होमवर्क पोस्ट होता है तो हम उसी में ही व्हाट्सएप को एडिट करके लिख लेते हैं, आप उसी ऑप्शन में जाकर ये जैसे अपलोड दिया है, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट, वन सेकंड मैं यहाँ से आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके ओके, अकेलाज मम्मी, आई थिंक लाइबाज मांगे, आई एम सो सॉरी. यस, तो जब आप कोई व्हाट्सएप पे इमेज लेते हो और उसको एडिट करते हो तो आपको उसे अपने फोन की गैलरी में सेव करना होगा. जब आप उसको एडिट करके फोन की गैलरी में सेव करोगे तो यहाँ वो ऑप्शन आएगा जो आप ढूंढ रहे हो. अगर आपने सेव कर लिया है तो आप गूगल क्लासरूम में जाओगे, आपको अभी फोटो तो खींचना नहीं है, आपको सिर्फ अपलोड करना है. तो आप एड वर्क पर जाकर अपलोड ऑप्शन को क्लिक करोगे. अपलोड ऑप्शन जो है आपके फोन की गैलरी में आपको लेकर जाता है. तो जो आपने डाउनलोड अपने जो एडिट करके सेव किया था फोन की गैलरी में, वो यहां से आप उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर पाओगे. आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन. बाय बाय मम्मी. यस दीदी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. दीदी मैंने आपको सेंड कर दिया. ओके दीदी, थैंक यू सो मच बेटा. Yes, I can see Akila has raised her hand. Akila, please ask your question. Didi, I am recording करके इसको WhatsApp पे send करोगे ये वाली meeting का? Okay. इसकी recording we will be uploading on the school YouTube channel. तो आप वहाँ से उसको easily देख पाओगे. ठीक है Akila? Didi, I also send 2-3 photos English homework. Okay. Yes, Vidya. I have received it on my device. I will be checking teacher. It after this meeting. Teacher. कौनसे photo upload कर रहे हैं? कौनसे photo upload? Teacher. जी समिया बोलिए बेटा. कौनसे photo upload करने का है? दीदी ने सबसे पहले एक assignment दिया था yellow color की photo upload करने का option. आप गूगल क्लासरूम ओपन किए हो समिया? यस यस टीचर. देखो गूगल क्लासरूम में जब आप जाओगे तो दीदी ने, वन सेकेंड हाँ बेटा मैं आपको डेट के साथ बता रहा हूँ, 19 जनवरी को एक क्वेश्चन अपलोड किया था, है ना. आप उसमें जाकर येलो कलर की फोटोज, एक सिंगल फोटो और एक पीडीएफ दोनों बनाकर भेज सकते हो. नहीं आया टीचर. 19th जनवरी में तो नीचे जाना है, पुराना है ना, तो नीचे आएगा बेटा. नीचे जाओ उसको स्क्रॉल करके नीचे जाओ. दीदी दीदी मेरा क्लास कोड नहीं आया. दीदी मेरा गूगल क्लासरूम ना ओपन हो गया. उसके नीचे रौनक, वी विल ओनली टेक क्वेश्चन नाउ. जी क्लास कोड दीदी क्लास कोड नहीं आया मेरा. सरिता दीदी क्लास कोड. सरिता दीदी विल यू प्लीज सर कर. अच्छा कैसे मिल गया सर? येलो. ओके, अनाउंसमेंट ग्रुप पे दीदी ने शेयर किया है 3A 3B 3C के कोड्स. ओके, 3A 3, थैंक यू सो मच सरिता दीदी. 3A 3B एंड 3C के कोड्स अनाउंसमेंट ग्रुप पे पोस्ट हो गए हैं, आप वहां से क्लास कोड का यूज कर सकते हैं. आई कैन सी अकीला हैज स्टिल रेज्ड हर क्वेश्चन. अकीला कोई क्वेश्चन है बेटा अभी आपको? गजेंद्र
Yes, Gajendra, please unmute and ask your question. Didi, वो YouTube channel की तरह मेरे को recording भेजो ना. Okay. Gajendra, we will send the link of the video. YouTube link हम भेज देंगे. You can just click on the link and watch the video. No problem. Once we upload. Download करना पड़ेगा. Sorry. YouTube भी download करना पड़ेगा उसके लिए. नहीं नहीं नहीं. You can watch it on your tab or on your mom's phone wherever. आप link click करके आप देख सकते हो. ठीक है. You will not be able to use YouTube on your school given tab. School के tab से जो school से जो मिला हुआ tab है उस पर आप YouTube नहीं use कर पाओगे. So better ये है कि आप अपने मम्मी पापा दीदी भैया किसी का भी tab use उनका device use करके अपने school channel को दीदी मैंने ना PDF send किया ना scanner के जरिए तो भी एक ही photo जा रहा है. आपने एक ही photo attach किया था या दो photo डाला था PDF में बेटा? फोर निकाले थे तो उसमें टिक का बटन दबाया तो फोर फोटो में भी तभी भी एक ही फोटो जा रहा है. एक बार फिर से ट्राई कीजिए बेटा. वन मोर टाइम ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आप अपलोड कर पा रहे हैं. मैं भी ट्राई करूं क्या एक बार? यस यस एवरीवन प्लीज ट्राई. एवरीवन सब लोग पीडीएफ बनाना अभी ट्राई कर रहे हैं. जो दीदी ने क्वेश्चन पोस्ट किया था फॉर थर्ड स्टैंडर्ड 19th जनवरी का आप उस पे पीडीएफ भी अपलोड कीजिए और एक इमेज सिंगल इमेज एंड थ्री इमेजेस का एक पीडीएफ बनाकर अभी ही भेज दीजिए. यस श्रेयस थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर पीडीएफ बेटा. आई कैन सी अपूर्वा हैज रेज्ड योर हैंड. अपूर्वा यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा. दीदी मेरे फोन में ना वो इंग्लिश का तो जल्दी आ जाते है पर बात मतलब सब्जेक्ट के आ जाते पर आप येलो फोटो जैसे और रेड फोटो डालने के लिए कहा था तब वो लेट आया था और येलो फोटो रात को आया था. ओके ओके कभी कभी अपूर्वा हमारे यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज होते हैं. आपके डिवाइस में हो सकते हैं हमारे डिवाइस में हो सकते हैं ना इन जनरल भी हो सकते हैं तो इस वजह से कभी कभी वो किसी किसी को लेट किसी किसी को जल्दी आ जाता है. That is absolutely okay. Yes, Saurabh Pal, I can see that you have raised your question. Please ask your question. Ma'am, आप ना मेरे पास recording भेज रहे क्योंकि मेरे मम्मी के मोबाइल में group नहीं है school का. Okay, तो आप अपनी मम्मी के फोन से यूज कर रहे हो. Okay, ठीक है. इसकी recording ये जो अभी पूरी meeting हो रही है children, इसकी recording जो है school के YouTube channel पर upload होने वाली है. आप वहां से वीडियो देखकर भी आप अपना वर्क कंप्लीट कर पाओगे. जस्ट इन केस अगर किसी कारण आपके पास डिवाइस नहीं है डिटेल्स नहीं है ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है. जी थैंक यू सौरभ. दीदी मेरा हो गया चालू. थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो दैट. नाउ लेट अस टेक वन मोर. दीदी मैंने सेंड किया आया क्या? ओके थैंक यू. जिन्होंने भी थर्ड स्टैंडर्ड में सेंड किया है प्लीज वेट दीदी विल बी looking at it after the meeting is over. Okay. Juhit and Chaitra have raised their hand. You can ask your question. Didi, Juhit and Chaitra only. So I can understand. Didi, scan karke PDF bheja hai, lekin rename karne ka bhul gaya. Koi baat nahi. How to change? तो कोई बात नहीं लेकिन आगे से आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा कि आप उसको रीनेम करो है ना. तो हमारे रीनेम का ऑप्शन नहीं है. आप दीदी जब वहां पर लिखा रहता है ना स्कैन नंबर दिस 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 आप उसको क्लिक करोगे ना उस लेटर्स वर्ड्स पर ही क्लिक करोगे तो वो आपको रीनेम का ऑप्शन दे देगा. ठीक है दीदी. हेलो आई होप चैत्रा मम्मी ने कॉल किया है. ओके ओके आई कैन सी हियर दैट गजेंद्र हैज सबमिटेड फ्रॉम ग्रेड 4A एंड दिस इज हाउ इट शोस कि वन पर्सन हैज टर्नड इन समवन इज अच्छा फोटो तो समझ रहे हैं. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स प्लीज चेक इफ यू आर ऑन म्यूट.
सो दैट द मीटिंग कैन कंटिन्यू अनइंटरप्टेड. आप चेक करिए प्लीज कि आप म्यूट पे हैं. ओके सो थैंक यू सारा दीदी. यहाँ हम देख सकते हैं कि वन पर्सन हैज टर्न्ड इन, वन टर्न्ड इन एंड 26 असाइंड, मतलब 26 बच्चों ने अभी भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और एक बच्चे ने टर्न इन किया है, एक बच्चे ने सबमिट किया है. ठीक है, दैट इज गजेंद्र, और उसने सबमिट किया है तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा. उसने रीनेम भी किया है, गजेंद्र तनवार मैथ्स, so he has done that also and he has uploaded 6 images together as a PDF. usne 6 images ek sath upload kiye hain PDF ki tarah. see, so didi can see everything theek se. thoda clear images upload karna please. okay, so I can see ek hi jagah par mujhe 6 images ek sath dikh gaye. isliye PDF option preferred hota hai jab hum कोई भी असाइनमेंट आपसे लेते हैं. बट यू कैन सेंड इमेजेस ऑल्सो अगर आप इमेज सेंड करने में कंफर्टेबल हो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पीडीएफ ही बनाना है. अगर आप इमेज बना सकते हो, वो इजीली सेंड कर पा रहे हो, तो इमेज सेंड करो. अगर पीडीएफ बनाने आ रहा है आपको और धीरे धीरे आप सीख रहे हो पीडीएफ बनाना, तो आप पीडीएफ सेंड कर सकते हो बाद में. बट एटलीस्ट कोई एक चीज आपको आ जानी चाहिए कि इमेज सेंड करना आ जाना चाहिए या तो पीडीएफ बनाना, सो दैट यू कैन यूज कोई एक ऑप्शन आपका होमवर्क सेंड करने के लिए. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू मे हैव, वी कैन टेक देम राइट नाउ. यस, आई कैन सी नेहा हैज रेज्ड हर हैंड. नेहा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. नहीं, गूगल क्लासरूम में ग्रेट कुछ बोल रहा है, मीटिंग लीव कर सकते. वन सेकंड सौरभ. यस नेहा, आप रिपीट कीजिए बेटा. दीदी गूगल क्लासरूम में ग्रेड 3 शो नहीं कर रहा है. आप ग्रेड 3 में, 3A में हो बेटा. आप जॉइन क्लास, एक मिनट बेटा मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ. यस शो मी बेटा. दीदी मैंने येलो कलर का एक फोटो भेजा, वो गया नहीं. ओके वन सेकंड, वो गया नहीं, नेटवर्क का ट्रबल होगा बेटा. आप रीट्राई कीजिए एक बार. अगर आप रीट्राई कर रहे हैं और इसमें अपलोड हो रहा है तो आई थिंक वो थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा कम हो जाता है. दीदी ऐड क्लास, नेहा ऐड क्लास पे क्लिक कीजिए बेटा. नीचे प्लस का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए बटन. जी यहाँ पर ज्वाइन क्लास ऑप्शन आएगा, इसमें आपको आपके थर्ड ए का कोड टाइप करना है, तभी आप थर्ड ए की क्लास में ज्वाइन. ओके 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 दीदी बदल दीदी. यस तनाया, यस टेल मी. दीदी मैंने पीडीएफ सेंड किया है, वो मिला आपको? ओके लेट मी चेक. दीदी मैं पहले भी सेंड किया टू वरी. यस आई गॉट तनाया, आई गॉट. Okay, children, let us remind ourselves that we have to raise our hands so that you can take your questions one at a time. I am repeating the third and fourth. You please raise your hand to ask your question. अब बहुत सारे लोग एक साथ बात करेंगे तो हमें किसी का कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा. So I'm requesting you, please use your Zoom raise hand so I can, we can see you. Yes, Harsh, mummy has raised her hand. Please ask your question, Harsh. चल दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. दीदी रीनेम के ऑप्शन में रीनेम कब करना होगा, किस आप किस लिए करना होगा? जैसे हर्ष त्रिपाठी हमारा लिखा हुआ है तो उसको रीनेम क्यों करना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा दीदी. जब आप उसे रीनेम करते हो तो हम जब उसे ओपन करेंगे ये आपका पीडीएफ हमारे डिवाइसेस में डाउनलोड हो जाएगा, राइट? अगर आप उसे रीनेम नहीं करोगे तो वो एक रैंडम नाम लिख कर आएगा और हमें ढूंढने में दिक्कत होगी कि किस बच्चे ने भेजा है, किस बच्चे ने नहीं भेजा है, क्योंकि हम ये पीडीएफ हमारे डिवाइसेज में डाउनलोड ऑटो खुद भी खुद ही डाउनलोड हो जाता है. जब उसे डाउनलोड करोगे तो हमें पता चलेगा कि ये हर्ष का है, ये विनंती का है, ये सोनाक्षी का है. तो रीनेम करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम ये आसान. दीदी मैं ना जितनी बार गूगल क्लासरूम ओपन कर रही हूँ ना, बार बार
सोनाक्षी आई थिंक आपका नेटवर्क वीक है बेटा, शायद इस वजह से आप जो गूगल क्लासरूम ओपन कर रहे हो तो वो हो नहीं पा रहा है कंप्लीट अभी। दीदी वो ना बार बार कोड मांग रहा है। आपने थर्ड सी का कोड, देखो दीदी ने थर्ड सी का कोड भी भेजा है, तो आप थर्ड सी का कोड उसमें डालिए बेटा, तो आप थर्ड सी के क्लासरूम के अंदर आ जाओगे। ठीक है दीदी, थर्ड सी का कोड डाला है बट अगर एक बार तो फर्स्ट टाइम डाला ओके। तो दीदी आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए और मुझे पर्सनल पे भेजिए, तो मैं आपको दीदी वो है ना सबके इसमें हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा ओपन करके। ये देखो ये है ना ऐसा ऑप्शन आता है ओपन करे बराबर, और फिर उसको ज्वाइंट ऐसा करना पड़ता है, ऐसा वो ज्वाइंट हो रहा है। नहीं नहीं दीदी जब आप ऊपर बैठ जाइए ना लाइबाज मम्मी, आप थोड़ा बैठ जाइए, हाँ बैठिए स्क्रीन, और ऐसा करेंगे तो फिर ये आ जाता है सामने। थैंक यू सो मच लाइबाज मम्मी, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस ऑल आउट। थैंक यू। एनीवन एल्स विद एनी मोर क्वेश्चंस कैन रेज देयर हैंड एंड आस्क। आई कैन सी आर्या, सचिन हैज रेज्ड हर हैंड। आर्या गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन बेटा। यस आर्या, आर्या सचिन, सचिन माने फोर्थ बी, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? दीदी दीदी मुझे ब्रदर और दीदी से पूछना था कि मैंने ना अब एक फोटो भेजा ब्लू थिंग का, वो आएगा। तो अगर स्टूडेंट आपने अपना मटेरियल भेज दिया है तो आप बाजिला दीदी आपको दीदी जब आप सेंड कर दोगे तो दीदी को रिसीव हो जाएगा। दीदी यस ये हो गया क्या मीटिंग का सिलेबस बताने वाले थे ना? जी दो मिनट उत्तम मुझे कुछ नहीं समझा सबका। जस्ट अ मिनट सारा दीदी। अरमान हम आपको वीडियो भी भेजेंगे रिकॉर्डिंग का, आप यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग जो ये पूरी मीटिंग हुई है वापस से आप देख सकते हो, और जो भी आपके क्वेश्चंस है पूनम दीदी वो सारे क्वेश्चंस आपको कॉल पर सुलझा देगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो ईमेल आईडी है पासवर्ड है वो सब हम आपको देंगे, गूगल क्लासरूम में कैसे एंटर होना है कैसे सबमिट करना है सब कुछ वापस से समझा देंगे, प्लीज डोंट वरी। पूनम दीदी से आप कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है? एंड अगर अब आप किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है तो हम वो सारे क्वेश्चंस मीटिंग के बाद पर्सनल चैट पर आप अपने क्लास टीचर्स को मैसेज कर सकते हो, ठीक है? All my grade 4 children, I am receiving your work. You don't have to worry. आप अगर हैंड इन कर रहे हो तो दीदी को वो मिल रहा है, प्लीज डोंट वरी, ओके? And now we are coming to the end bit of our meeting, and some things I would like to remind all of you is please be on mute. That is one thing I want to remind ki sare parents bacche mute par rahe, and one important thing that I want to remind all my grade 3 and 4 children is to keep using Kids A to Z app, okay? To improve your English, to know, to read so many different books, बहुत तरह की books होती है A to Z पर, वो आपको yes करन। Children, one second, please. This is not okay. Your didi is giving you instruction. We will first listen. Saurabh, Karan, please, no raising hands here. Please listen to Bazela Didi first. Okay, hands down, mics on mute. Yes, Didi. Thank you, Sakshi Didi.
ओके नाउ वी विल फर्स्ट लिसन क्या बोल रही हैं सारी दीदीज और फिर हम अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. मैं बोल रही थी कि जो आपको किड्स ए टू जेड ऐप दिया है उसके लॉगिन भी आपको दिए हैं, आपको यूज करने के लिए दिया है. सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दैट ऐप. उसमें से बहुत सारी स्टोरीज हैं, वो पढ़ो रोज, उसमें से क्विज सॉल्व करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो एज यू आर गोइंग इन टू फोर्थ ग्रेड, गोइंग इन टू फिफ्थ ग्रेड, है ना. तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होनी चाहिए. और इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी? Once you start reading in English, once you start talking in English, and we want you all to improve on the in this language. इसीलिए हम चाहते हैं कि आप kids A to Z का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें English subject के लिए specially. और हिंदी के लिए हमारी हिंदी और मराठी के teachers कहती हैं कि आप बोलो app use करें. आपको हिंदी भाषा का अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए आप बोलो ऐप का इस्तेमाल करेंगे. और इंग्लिश ओके यस गणेश यस व्हिच एवर क्वेरी यू हैव यू कैन आस्क योर क्लास टीचर आफ्टर द मीटिंग. ओके तो मैं बोल रही थी कि जो किड्स ए टू जेड ऐप है वो आप इंग्लिश के लिए यूज करें रोजाना और यूज करें, उसमें से जो भी स्टोरीज है वो पढ़ते रहें. और हिंदी के लिए बोलो ऐप का इस्तेमाल करें. इसके अलावा हमें आपके साथ एग्जाम की डेट्स शेयर करनी थी. तो हम ग्रेड 3 और 4 के एग्जाम्स 2 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं. मार्च की 2 तारीख से स्टार्ट होंगे. आप सभी को हम सिलेबस भेज देंगे और जो भी सिलेबस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस सब्जेक्ट की टीचर से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. ठीक है. सिलेबस ऐसा होगा कि जो हमने यूनिट 4 में किया था, जो यूनिट 4 का एग्जाम हुआ था उसमें जो कुछ भी था वो आएगा. और जो अभी हमने यूनिट 5 में किया है एग्जाम के बाद जो 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 कवर किया है वो सारा कुछ आपके फाइनल एग्जाम में आएगा. तो 2 units मिलाकर आपका फाइनल एग्जाम का पेपर होगा और आपके एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स 2 मार्च से स्टार्ट होंगे, 2 तारीख से मार्च की. ओके मैम. अनुष्का डिड यू रेज योर हैंड? नो. सो इफ यू हैव बाजीला दीदी थैंक यू. आई होप सबको एग्जाम डेट्स क्लियर है. सारा दीदी यू कैन टाइप द एग्जाम डेट्स ऑन द चैट ऑल्सो फॉर समवन हु इज नॉट एबल टू लिसन. ओके 2 मार्च से स्टार्ट होगी. एग्जाम्स जो होगी वो ऑनलाइन होगी जैसे हमारी होती रही है. लाइव ऑनलाइन एग्जाम होगी. आपको क्लास में लिंक पर ज्वाइन करना होगा, उस वक्त एग्जाम करना होगा और फिर मीटिंग लीव करके एग्जाम सबमिट करना होगा दीदी को. ओके ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी. आपके ओरल्स जो है वो हो सकता है कि हम स्कूल में लेना स्टार्ट कर दें. ओरल एग्जाम है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो हम हो सकता है कि स्कूल में फिजिकली लेना स्टार्ट करें. और जो फिजिकल स्कूल में नहीं आ रहे हैं बच्चे उनका हम ओरल एग्जाम ऑनलाइन लेंगे तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन हम एनकरेज करेंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें ग्रेड 3 और 4 को. ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट टेकिंग आवर ओरल्स फिजिकली. 1-on-1 ओरल हो सकेगा, बच्चे पढ़ाई भी कर सकेंगे हमारे साथ हमारे सामने. सो वी आर एनकरेजिंग ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 3 और 4 टू कम टू स्कूल. लेकिन जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनका हम ओरल एग्जाम ऑनलाइन लेंगे. सो नो डोंट वरी अबाउट दैट. एग्जाम रिटन एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, लिंक पर होगा, जूम पर होगा, लाइव होगा. और एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 2 मार्च से और सिलेबस हम आपको 1-2 दिन में सेंड कर देंगे. ओके नाउ इफ एनी वन हैज एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क. यस अनुष्का. दीदी मैंने ये सबमिट कर दिया है अपना होमवर्क दीदी.
गूगल क्लासरूम का बोल रहे हो अनुष्का? हाँ दीदी, मैंने गूगल क्लासरूम पर सेंड कर दिया है। हैंड इन किया आपने? HANDIN हैंड इन? हाँ, वेरी गुड, ओके, थैंक यू अनुष्का। फिर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ सा आया कि सबमिट वर्क, हैंड इन करने के बाद सबमिट आया, अनसबमिट होगा, अनसबमिट नहीं दीदी, हैंडिंग करने के बाद सबमिट उधर लिखा था। हाँ तो सबमिट पर क्लिक कर दो। हाँ मैंने उसी पर क्लिक किया था, आया क्या दीदी? यस यस अनुष्का, आई गॉट। और दीदी क्लास आप एग्जाम स्कूल में क्यों नहीं देते? अनुष्का सारे बच्चे स्कूल नहीं आते ना, इसलिए हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, ठीक है? ओके दीदी, थैंक यू अनुष्का। यू कैन लोअर योर जूम हैंड। यस आयुष। हमारी एग्जाम कब खत्म होगी आपने ये नहीं बताया? कब खत्म होगी? ओके, जो हम सिलेबस आपको सेंड करेंगे उसके अंदर सब डेट्स है, कौन सी एग्जाम कब है, उसमें आप देख पाओगे कि एग्जाम कब खत्म हो रही है, ठीक है? डोंट वरी, इन वन वीक इट विल एंड, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी एग्जाम। यस सौरभ। मैम क्या कह रहे हैं कि मैंने का होमवर्क भेजा था ना, तो हैंड इन करके हैंड इन वाला मैंने दबाया ना, तो मतलब वो गया ही नहीं, बटन ही नहीं दब रहा था। ओके, सो हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उस वजह से वो हैंड इन नहीं हो पा रहा होगा उस वक्त, तो आप कुछ वक्त के बाद आप वापस से सबमिट करने की ट्राई कर सकते हो, ठीक है? स्टूडेंट्स, ऑल राइट, वी विल नाउ बी टेकिंग वन लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर व्हिच वी विल फिनिश, वी विल एंड द मीटिंग। आई कैन सी ओनली करण हैज रेज्ड हिज हैंड। करण कुमावत, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Yes, Karan Kumawat, unmuted, ask your question. दीदी जो मेरा वो A to Z है ना, वो खुल रहा नहीं है, मैंने है ना मेरी वो सब कुछ काला टोए भी नहीं। ओके करण, आप अपना टैब स्कूल में लेकर आ सकते हो और मैं देखूंगी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? सो व्हेन यू कम टू स्कूल ऑन मंडे आई विल चेक क्या प्रॉब्लम है एंड देन वी कैन सॉल्व इट। Okay, we can now end the meeting, Basila. You are on mute, Basila. Okay, thank you so much, parents and kids for joining the meeting. I would also like to thank Sarita Didi for a very nice e-learning session. Thank you so much, Sara Didi, for the very detailed explanation of the Google Classroom app. आपने बहुत अच्छे से सबको समझाया Google Classroom के बारे में, and I hope सबको अच्छे से सब कुछ clear हो गया है. I would also like to thank Sakshi Didi for the support that she is giving us since the beginning. And for being there with us in the meeting, thank you so much, Sakshi Didi. And thank you, parents and children, for joining on time. And we would now say goodbye to each other and end the meeting. Okay. Thank you so much. Bye-bye.